दोस्तों, अभी सुबह के 5:30 हो रहे हैं और आज हम निकलेंगे गोरखपुर के लिए। तो मेरे भैया हैं, वो काफ़ी दूर से आ रहे हैं, लगभग 60 किलोमीटर पीछे से। तो वो कहीं पे रुकेंगे और मैं वहाँ पे जाके उनको मिल लूँगा और फिर हम लोग कार जो कि विटारा ब्रेजा है मारुति सुजुकी की, उससे हम लोग गोरखपुर जाए। तो दोस्तों, अभी हम पहुँच चुके हैं जहाँ हम अपने भैया का वेट करेंगे, वो कार से आ रहे हैं। ये देखिए, बांध है एक, और ये एक नेशनल हाईवे है जो कि सीधा गोरखपुर को जाता है। यहाँ पे आपको रेगुलर आधे पौने घंटे के अंदर बस मिल जाती है गोरखपुर कुशीनगर जाने के लिए। यूपी में जाने का रास्ता ये वाला है। अभी भैया आ चुके हैं, उन्होंने हमें पिक कर लिया था लास्ट लोकेशन से, क्योंकि मैंने आपको बताया था पतलार में था। तो अभी हम लोग रास्ते में ही हैं और मेरी भतीजी भी है, श्रेया है। देखो, हाय बोलो श्रेया। तो ये है, और संदीप भी है हमारे साथ, छोटा भाई है, और रितु भी है। रितु हाय बोलो। तो ये है, और ये हमारे भैया। तो अभी हम लोग गोरखपुर के रास्ते में हैं, और जैसे मैंने कल वाली वीडियो में, पिछली वीडियो में जो मैंने बनाया था कि हम लोग पतलार जो थनाहा गए थे, तो अभी हम सेम उसी रास्ते से गोरखपुर को जाएंगे, जो कि कुशीनगर के थ्रू, पडरौना के थ्रू जाता है। और एक यही सबसे कन्वीनियंट और इजी रास्ता है हमारा गोरखपुर जाने के लिए। तो ठीक है दोस्तों, अभी मैं मिलता हूँ आपसे थोड़ी देर में। दोस्तों, अभी सुबह के 6 बज चुके हैं, और ये देखिए, थनाहा का वही पुल है जो कल हम आए थे यहाँ पे, और जो पिछली वीडियो में आप मेरी देख सकते हैं। तो ये देखिए, अभी ज़्यादा हवा का बहाव नहीं है और नदी भी काफ़ी शांत लग रही है, गंडक नदी है। जो मौसम आप देखिए, कितना सुहावना लग रहा है। ये वही स्ट्रेच है रतवल और थनाहा का, जो कि लगभग 1.5 किलोमीटर लंबा पुल है ये, और ये पश्चिमी चंपारण के थनाहा में मिलेगा जो कि बगहा में स्थित है। तो आप ज़रूर इस पुल का आनंद ले सकते हैं कभी भी आके इन फ्यूचर में। ठीक है, और आगे मिलते हैं आपसे, तब तक आप इस व्यू का एंजॉय कीजिए। अभी हम रास्ते में रुके हुए हैं कहीं पे, जो संदीप है, जो छोटा भाई है, वो उसको थोड़ी तबीयत में दिक्कत हो गई, चक्कर आने लगे और थोड़ी उल्टी होने लगी, इसकी वजह से हम यहाँ पे रुके हैं। और ये देखिए, बिल्कुल छोटा सा एक ढाबा सा है यहाँ पे हम रुके हुए हैं, इश्रेया है। और ये रोड है, कितनी सुबह की चिलचिलाती धूप, बिल्कुल फ्रेश धूप है, बहुत अच्छा लग रहा है इस जगह पे। यहाँ पे आके बिल्कुल नेचर की गोद में ही है, जिस हिसाब से पेट्रोल पम्प भी है। और ये है कुटिया, थोड़ी सी देखिए, छोटी सी कुटिया, कुटिया में कुछ मिले ना मिले, लेकिन यहाँ पे गुटखा पान मसाला ज़रूर मिलता है। यहाँ पे आमतौर जनता जो है गुटखा मसाला पे ही जिंदा रहती है ज़्यादा, बहुत खाते हैं यहाँ पे गुटखा। और ये हमारी कार विटारा ब्रेजा, और ये सुबह की धूप, देखिए धूप। यही रोड है जो अभी हम यूपी में एंटर कर चुके हैं, बिहार से हम निकले थे पतलार से, और हम यूपी में एंटर कर चुके हैं, और ये सीधा गोरखपुर जाएगी पडरौना कुशीनगर होते हुए। ये गोरखपुर के रास्ते में हम कुशीनगर आ चुके हैं, भगवान बुद्ध की धरती है। जो आप ये रोड के साइड में देखिए, कितने पेड़ पौधे ज़्यादा हैं, इतनी ग्रीनरी है यहाँ पे आसपास चारों तरफ। अगर आदमी साइकिल से या बाइक से भी जाए तो उसको खास धूप का सामना नहीं करना पड़ता। इंजॉय कीजिए आप इस नज़ारे को। हम लोग गोरखपुर में एंटर हो चुके हैं, और ये गोरखपुर मेन सिटी में आने से पहले ये बहुत बड़ा जंगल है यहाँ पे, जो गोरखपुर की एयरपोर्ट के पास ही है। देखिए कितना बहुत घना जंगल है, और कहा जाता है कि यहाँ पे बहुत बार जो शेर है बहुत बार पकड़े जा चुके हैं रोड पे घूमते फिरते हुए। तो अगर आप कभी इधर गोरखपुर के रास्ते आएँ और कभी रात में बाइक पे हों या कहीं वैसे हों, तो सावधानी से जाना चाहिए। देखिए बहुत घना जंगल है। ये गोरखपुर का एयरफोर्स का स्टेशन है, और यहाँ पे ये है हवाई अड्डा गोरखपुर का एयरपोर्ट। काफ़ी बड़ा एरिया है एयरपोर्ट का।
इस साइड भी एयरफोर्स का ही स्टेशन है, पूरा एरिया उनका ही है। ये हम गुफा में आए हुए हैं, टनल गोरखपुर में बस एंट्री होने ही वाली है हमारी। काफी लंबा टनल है ये। और ये आ गए हम टनल से बाहर गोरखपुर सिटी में। दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज में। यहाँ पे जो मौसा जी हैं उनकी थोड़ी तबीयत पहले काफ़ी ख़राब थी, तो उसी उन्हीं को लेके आए थे। अभी फ़िलहाल वो ठीक है, बस ये रेगुलर चेकअप है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं। और अभी हम नाश्ता करने जा रहे हैं यहाँ पे, तो नाश्ता करके आप लोगों से मिलेंगे। अभी श्रेया और रितु पूड़ी सब्ज़ी खा रही हैं, पूड़ी सब्ज़ी, और ये मेरी प्लेट पूड़ी सब्ज़ी और जलेबी की। दोस्तों अभी हम गोरखनाथ मंदिर आए हुए हैं, अभी हम गोरखनाथ मंदिर देखेंगे और उसके बाद हम अपना वापस जाने का रास्ता नापेंगे। तो अभी मैं आपको गोरखनाथ मंदिर भी दिखाऊंगा थोड़ी देर बाद। ये गोरखनाथ मंदिर जाने का रास्ता है, हम पहले कार से आए थे तो एंट्री पे हमने अपनी कार पार्क कर दी है, और पार्किंग के बाद ये सब रास्ता है, पैदल ही हमें उस मंदिर तक पहुँचना होगा। ये सब कुछ है, बहुत से शॉप जो हैं उन्होंने खिलौने की दुकानें लगाई हुई हैं, और रेस्टोरेंट्स वगैरह भी हैं, देख सकते हैं आप लोग। ये ऐसा लग रहा है कि छोटे से शहर में ही है हम लोग गोरखनाथ मंदिर में, काफ़ी बहुत बड़ा एरिया है इसका। ये एक रेस्टोरेंट है यहाँ पे, आगे जाके मंदिर में और मैं दिखाता हूँ आपको। अभी हम गोरखनाथ मंदिर की एंट्री पर हैं, ये एंट्री है मंदिर की, यहाँ पर पुलिस चेकिंग हो रही है। हम गोरखनाथ मंदिर में एंटर कर चुके हैं, ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। ये एंट्री थी, यहाँ से हम लोगों ने एंटर किया था। ये बहुत शांति है यहाँ पे, एकदम सुकून मिल रहा है। सामने देखिए सफाई भी बहुत अच्छे से यहाँ पे की गई है सब चीज़ों की। यहाँ पे काफ़ी लोग आए हुए हैं, ये देखिए श्रेया और रितु हैं, ये भैया के साथ फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। और यहाँ पे बोटिंग की भी सुविधा दी गई है, आप देख सकते हैं। ये देखिए अभी मैं आपको पास से भी दिखाऊंगा जो बोटिंग है। अभी हम दिन में हैं यहाँ पे, सुना है रात में बहुत ही खूबसूरत नज़ारा रहता है बोटिंग करते हुए। ये है गोरखनाथ मंदिर का दृश्य, पास से भी दिखाऊंगा मैं आपको थोड़ी देर में। ये फ्रंट है गोरखनाथ मंदिर का, हमारे योगी आदित्यनाथ जी का जो पहले गढ़ था योगी, ये गोरखनाथ मंदिर, ये वही है। ये फोटो खिंचवाते हुए बच्चे, आप ये देखिए। बहुत सफाई है यहाँ पे और इतना सुंदर लग रहा है सब देखने में। यहाँ पे और मंदिर है, ये हनुमान जी का भी यहाँ पे मंदिर है, ये जो सब दिख रहा है आपको, और ये गोरखनाथ जी का मंदिर है। बहुत शानदार प्लेस है, आपको यहाँ पे चप्पल वगैरह रखने की सुविधा भी मिल जाएगी अच्छे से, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है जो सेवा है, इसके लिए कुछ खास पैसा नहीं है। ये यहाँ पे ही निकाल के ही आप हम जा सकते हैं मंदिर में। अब हम मंदिर में जाएंगे, तो मिलते हैं थोड़ी देर में। तो अब हम एंट्री करने वाले हैं मंदिर में, गोरखनाथ मंदिर में। सुरक्षा के पूरे इंतज़ाम है यहाँ पे, पुलिस फोर्स है, बहुत सेफ्टी है यहाँ पे। ये हमारे हनुमान जी का मंदिर है और ये गोरखनाथ जी का मंदिर है। तो ये गोरखनाथ मंदिर जो हमें दर्शन करने गए थे अभी, और फ़ोन ले जाने की वहाँ पे इजाज़त नहीं थी, इसकी वजह से हम लोग यहाँ पे आए हैं। तो अभी हम एंट्री यहाँ पे कर रहे हैं, और ये आगे का बहुत अच्छा मंदिर है, ये आप संतों को देख सकते हैं। ये सारे हमारे संत हैं, महाराज जी, दिग्विजय महाराज जी, ये भैया और श्रेया और रितु हैं।
आगे देखिए कितना कुछ सुंदर है, कितने फूल। ये फूल पौधे देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं, कितना अच्छा गार्डन बनाया हुआ है गोरखनाथ मंदिर में। एक ये भी मंदिर है दोस्तों, यहाँ पे सत्संग चल रहा है, यहाँ पे सारे हिंदू देवता जो है उनकी मूर्ति है और यहाँ पे विसर्जित हैं सारे। ये पूरा प्रशासन है, हम यहीं से एंट्री करके आए थे। ये पूरा गोरखनाथ मंदिर के ही अंदर है, तो अभी हम अंदर हम फ़ोन लेके जा नहीं सकते, तो हम यहीं पे अपना बंद करेंगे और मैं आपसे मिलूँगा थोड़ी देर में। ये देखिए सत्संग हो रहा है यहाँ पे अंदर मंदिर में, हमारे गोरखनाथ मंदिर के अंदर। ये कैंपस में ही है पूरा, यहाँ पे सारे देवी देवता की मूर्ति है सामने। बड़ी शांत जगह है, बहुत शांत, लोग सत्संग में भी बैठे हुए हैं काफ़ी। बहुत सुकूनदायक जगह है दोस्तों, ये बहुत सुकूनदायक। ये श्री सूरदास जी हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी। ये गोरखनाथ मंदिर में ही है त्रिशूल, देखिए। हम गोरखनाथ मंदिर, ये है हमारा, हम निकल चुके हैं, अब हम अपना मंजिल की ओर जाएंगे जहाँ पे हमें जाना। तो अब हम गोरखनाथ टेंपल से निकल आए हैं बाहर, और ये गोरखनाथ जो टेंपल है उसके प्रीमिसिस में ही है। ये छोटा सा तालाब जैसा ही है, इसमें आप बोटिंग वगैरह सब कर सकते हैं। ये बोटिंग की सुविधा देख लीजिए आप। ये और यहाँ पे जो है 20 रुपये में एक आप बोटिंग कर सकते हैं। कुछ खास बड़ा तालाब है नहीं है, काफ़ी छोटा सा है। शायद ये रात को फुहारे वगैरह लाइटिंग जब होती है तब जलता होगा, बहुत कम, छोटा सा है, ज़्यादा एरिया नहीं है। देख लीजिए, इसका 20 रुपये किराया है एक आदमी का। तो दोस्तों अब हम निकलेंगे यहाँ से, हमने गोरखनाथ टेंपल देख लिया है, और ये आपने, मैंने आपको तालाब अभी अभी दिखाया, तो मैं अभी, हम जाएंगे खाना खाने। यहाँ पे गोरखनाथ मंदिर के सामने खाने पीने की जो टिक्की चाट है, काफ़ी अच्छी शॉप्स मिल जाएंगे। और ये आइसक्रीम ली है हमने अभी, शिराने भी ली है आइसक्रीम, सब आइसक्रीम खा रहे हैं अभी। और देखिए टिक्की की शॉप है काफ़ी, अभी हमने टेस्ट तो नहीं की लेकिन देखने में अच्छी लग रही है ये टिक्की। ये गोरखनाथ मंदिर के बाहर ही है सब कुछ, और बहुत सारी शॉप्स लगी हुई हैं, ऐसा लग रहा है कि मेला ही है। तो काफ़ी अच्छी जगह है ये, एक बार तो ज़रूर आना चाहिए अगर आप गोरखपुर आ रहे हैं कभी तो। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं थोड़ी देर में। अभी हम गीता प्रेस में आए हुए हैं, भैया ने एक किताब ली हुई है। भैया किताब दिखाना, ये है श्री दुर्गा सप्तशती सचित्र, भैया ने किताब खरीदी है, पकड़ो इसको श्रेया। और ये है गीता प्रेस की शॉप है, यहाँ पे बहुत जितनी भी धार्मिक किताबें हैं आप ले सकते हैं। उसके अलावा आप, ये मूर्ति है और ये कुछ सामान और है पूजा वगैरह का, तो ये भी आप खरीद सकते हैं। तो ये गोरखनाथ टेंपल के सामने ही है बिल्कुल, अभी बारिश हो रही है। और ये है वो रामायण पुस्तक भंडार गीता प्रेस द्वारा। मौसम अच्छा हो चुका है, सुबह से ही गर्मी नहीं थी, ठंडा मौसम है, तो ज़्यादा हमें कोई खास दिक्कत नहीं हुई घूमने में। अब हम यहाँ से, इसी गेट से आए थे हम लोग गोरखनाथ मंदिर में, और अब हम इसी गेट से निकलेंगे गोरखनाथ मंदिर से, और फिर हम अपना खाना खाएंगे और हम अपना चंपारण के लिए, घर के लिए निकल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं। थोड़ी सी भेल खाने वाले हैं हम, भेल काफ़ी टेस्टी लग रही है। ये चटनी देखिए कितनी स्पाइसी लग रही है चटनी, लहसुन और मिर्चे की चटनी है, लाल मिर्च की चटनी। ये हमने ले लिया है, ये 20 रुपये का लिया है हमने, चटपटी भेल पूरी। अब हम निकल रहे हैं यहाँ से, ये सब आ गए हैं हमारी फैमिली, अब हम खाना खाने जा रहे हैं, वहीं पे मिलेंगे आपसे। तो हम लोग खाना खाने आ चुके हैं रेस्टोरेंट में, तो हमने सिर्फ सादी थाली ऑर्डर की है, 5 थाली ऑर्डर की है। देखिए मैं दिखाता हूँ कि क्या ऑर्डर किया हमने। ये है हमारी सादी थाली,
सादी थाली में ये दाल फ्राई है, ये छोले हैं, और प्याज और ये मिर्च वगैरह और मूली का अचार है, और तंदूरी रोटी। ये 90 रुपये में थाली है, जिसमें कि 4 रोटियां और हाफ चावल है, सादी थाली है। ठीक है दोस्तों, खाना खा लेता हूँ मैं, अब रास्ते में मिलेंगे घर जाते हुए। तो दोस्तों हमने खाना खा लिया, खाना ठीक ठाक था, खाया जा सकता है 1 से 2 बार। और अब हम दोबारा अपने घर जाने के रास्ते में हैं, शक्ल से दिख रहा होगा काफ़ी थक गए हैं सारे, तो अब सबको इंतज़ार है कि कब अपने घर पहुँचे। लगभग 4 घंटे की जर्नी रहेगी ये घर पहुँचने तक, तब तक मैं आपसे रास्ते में मिलता रहूँगा बीच में, तब तक के लिए बाय। अब हम कुशीनगर पहुँच चुके हैं दोस्तों, कुशीनगर में कुछ फल वगैरह खरीदेंगे घर के लिए। पूरी फलों की काफ़ी लंबी शॉप है यहाँ पे, सिर्फ फल ही मिलते हैं और ठीक ठाक रेट पे मिल जाते हैं। अगर हम जब बिहार में एंट्री करेंगे अपने चंपारण में, तो उसके कंपैरिजन में थोड़े फल सस्ते हैं यहाँ पे, तो इसलिए हम लोग ख़रीद लेंगे यहीं से। ठीक है, अभी आगे रास्ते में मिलता हूँ और फिर अपनी जर्नी को घर पहुँच के दी एंड भी करते हैं हम लोग। तो दोस्तों हम अब बिहार में एंट्री कर चुके हैं, गोरखपुर से आते हुए यूपी का बॉर्डर समाप्त हो चुका है। देखिए अंधेरा भी हो चुका है, अब लगभग अभी हमें 1 घंटा और लगेगा घर पहुंचने में। भैया को तो काफ़ी और आगे जाना है, लेकिन जहां पे भैया ने मुझे पिकअप किया था वहां पे हमें पहुंचने तक लगभग 1 घंटा और समय लग जाएगा। चलिए मैं मिलता हूं आपसे घर पहुंच के। दोस्तों अब मैं घर आ चुका हूं, काफ़ी लंबा ये हमारा ट्रिप था। लगभग हम सुबह, जैसे मैंने आपको बताया था कि सुबह 5:30 बजे हम लोग निकल गए थे, और अभी शाम के 7:30 बज चुके हैं। आज लगभग 14 घंटे लगे, जिसमें कि मौसा जी को हॉस्पिटल दिखाया, हॉस्पिटल दिखाने के बाद गोरखनाथ मंदिर भी गए, वहाँ से फिर खाना वगैरह खा करके हम अपना वापसी यहाँ पे आ गए। तो आज का व्लॉग यही समाप्त करते हैं, कैसा लगा ये व्लॉग आप ज़रूर बताइए, और कुछ अगर हेल्प मिले मेरे इस वीडियो बनाने से तो ज़रूर उसको भी बताएं। ठीक है दोस्तों, इस व्लॉग को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय।